মুর্শিদাবাদ মালদা ও ঝাড়খণ্ডের মোট 20টি স্কুলের 120টি ছাত্রীদের নিয়ে বালিকা সম্পত্তিকরণ অভিযান হয়ে গেল ফরাক্কা এনটিপিসির তরফ থেকে। শুক্রবার সকালে পিটিএস রবীন্দ্র ভবনে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মুর্শিদাবাদের 10টি, মালদা 5 ও ঝাড়খণ্ডের 5টি স্কুল নিয়ে এই বালিকা সম্পত্তিকরণ অভিযান অনুষ্ঠিত হয়। মূলত আগামী এক মাস ধরে ফরাক্কা এনটিপিসির তরফ থেকে 120টি ছাত্রীদের বিভিন্ন কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ফরাক্কা এনটিপিসির ইআর শীতল কুমার, ডিজিএম সন্দীপ কুমার, এজিএম এইচআর, এনটিপিসির কমান্ডেন্ট, সিআইএসএফ সহ অন্যান্য এনটিপিসির কর্মীরা। ভিডিও রিপোর্ট জেন টিভি। और इसी से हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। I request everyone to settle down at their place. तीनों को लगाना है। मैं हमको एक लगा दो। Thank you. तीनों को मैडम मैडम। श्रीमती माया जैन अध्यक्ष अभिता लेडीज क्लब। पिछड़े वर्गों के लिए नई और प्रभावशाली योजनाएं बनाई हैं और उन्हें घर घर तक और जन जन तक पहुंचाया है। बालिका सशक्तिकरण अभियान यानी गर्ल एम्पावरमेंट मिशन एनटीपीसी की प्रमुख सीएसआर पहल है, जो देश भर में बच्चियों को सपने देखने और उन्हें सच करने के लिए सशक्त बना रही है। उनको वो बुनियाद दे रही है जिस पर मजबूत इरादों की इमारत बन सके। वो पंख दे रही है जिसे वो खुले आसमान में लंबी उड़ान भरें और कामयाबी की नई ऊंचाइयां हासिल करें। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए बालिका सशक्तिकरण अभियान 2022 में एनटीपीसी फरक्का का नारा है कि एनटीपीसी के साथ पिलेंगे ख्वाबों को पंख। आज फरक्का शांति किसे नहीं चाहिए। ওটু চায় জীবন বদলায়।